स्टूडेंट गुड मॉर्निंग माई सेल्फ उपेंद्र कुमार पांडे फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल टुडे विल बी लर्न चैप्टर नंबर 3 कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन। आज हम लोग कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर के एप्लीकेशनों के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, किस चीज़ों में प्रयोग होते हैं, किस तरह प्रयोग होते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। पिछले चैप्टरों में आपने मशीन के बारे में, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़े हैं, आज जो है कंप्यूटर के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन यानी कि प्रोग्रामिंग कार्य करना, या कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी प्रोग्राम दिए गए हैं किस जगह पर किस तरह प्रयोग किए जाते हैं उसके एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन हॉस्पिटल, पहला जो ऑप्शन लिखा तो दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंतर्गत किसी बीमारी के रोग के बारे में तुरंत हमें पता चलना, यानी उसके बारे में तुरंत उस आंसर मिलना या उसे तुरंत हॉस्पिटल में किसी डायजेस को या किसी रोग को तुरंत निवारण के लिए या उसके बारे में जानने के लिए हॉस्पिटल में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है एट एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, हम लोग जानते हैं कि एयरपोर्ट में और रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक कंप्यूटर के द्वारा टिकट बुक्स कराने, टिकट लेने का कार्य किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है इन बैंक एंड ऑफिस, यानी बैंक और ऑफिस के अंतर्गत, बैंक के अंतर्गत हमारे पैसों के लेन देन या अकाउंटिंग का कार्य करने के लिए बैंक में किया जाता है, जबकि ऑफिस में जो है किसी भी डाटा को या किसी भी चीज को मेंशन करने के लिए, किसी रिकॉर्ड को मेंशन करने के लिए किया जाता है। और उसके आगे चलते हैं चौथे ऑप्शन पे, इन शॉप्स एंड सुपरमार्केट, यानी दुकान और सुपरमार्केट के बारे में, जो हम लोग परचेस करते हैं यानी खरीदते हैं, जो हमारा बिल आता है कंप्यूटर के थ्रू आता है या कंप्यूटर से ही हमें प्राप्त होती है, उसी में शॉप में यानी दुकानों में और सुपरमार्केट में भी कंप्यूटर की अति आवश्यक होती है। एट स्कूल, हम लोग जानते हैं कि स्कूल में कंप्यूटर की पढ़ाई के लिए और रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। लास्ट ऑप्शन है एट होम, हम लोग घर में गेम खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, मूवी देखने के लिए इत्यादियों के लिए घर पे कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एप्लीकेशन के बारे में जाने कि किन चीज़ों का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। अगर कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।